लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए एंड दिस एंड दैट. दिस एंड दैट आई मीन नेगेटिव वे में भी नहीं बोल रही, पॉजिटिव वे में भी नहीं बोल रही. आपसे चालाक है, उनको मालूम है कि हाउ लाइफ कैसी है, तो वो अकॉर्डिंगली चलती है. चालाक है. मिन्मय, आप बताइए किस बारे में, निकुंज मेरी वाइफ होने के लायक है कि नहीं? मैं इसलिए कहूंगी कि नॉट बिकॉज ऑफ आवर पर्सनल इश्यूज. जब से मैं यहाँ पे आई हूँ आई डोंट हैव एनी पर्सनल इशू विथ हर. लेकिन मुझे ये इशू है कि वो बहुत एरोगेंट कमेंट्स करती है एंड आई थिंक दे आर क्वाइट रूड और ऑफेंसिव हो सकता है ये बिहेवियर. जैसे उसने प्रियदर्शनी के बारे में ये कहा था कि यू आर वेरी अगली. It's not because Priyadarshini is my friend. मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की के बारे में ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. Secondly, जो उसका बिहेवियर है दूसरों के प्रति, like I personally don't appreciate that attitude that she has, क्योंकि ये बहुत uncomfortable situation हो जाती है सबके लिए. और I have a problem because I get offended with her kind of attitude. इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इनको लगता है कि यहाँ पे ये सिर्फ आपके लिए आई हैं, तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं आप ही के साथ वार्तालाप करती हैं और हम लोग कहीं ना कहीं एक डस्टबिन की तरह हैं इनकी नज़र में, जो कि वाकई में नहीं है. तो ये हम लोगों से हमें उस लायक ही नहीं समझती हैं निकुंज जी, कि हमसे वाकई एक शब्द दो शब्द आके हमारे साथ हमारे जैसे लोगों के साथ आके खाना भी खाएं. आई डोंट नो ये औरों के साथ कैसी अच्छी होंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, लेकिन जैसा इनका बिहेवियर मेरी तरफ है मैं बात नहीं कर सकती. आई एम द बेस्ट वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं निकुंज में है. कई बार उन्हें समझाने की भी कोशिश की लेकिन वो ऐसे ही पली बड़ी हैं, तो उन्हें ज्यादा बदला नहीं जा सकता. राहुल के पति बनने के वो लायक नहीं है, क्योंकि राहुल इतने अच्छे इंसान है, क्योंकि निकुंज जिस तरह की है, राहुल इतने बड़े होकर भी कहीं भी राहुल में इतना भी एटीट्यूड या ईगो प्रॉब्लम नहीं है, और निकुंज कुछ भी नहीं है फिर भी इतना बड़ा एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम है उसमें कि उसके हम बात ही नहीं कर सकते कितना है. आपके सिवा आप सोचती है कि निकुंज मेरी धर्मपत्नी बनने के लायक है या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बेहद अच्छे इंसान हैं. ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि ये खराब है या बुरी है, इस पे मेरा कोई टिप्पणी है ही नहीं, क्योंकि मुझे इनको जानने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इंदिरा गांधी की शादी नहीं हुई थी? क्या झांसी की रानी की शादी नहीं हुई थी? क्या बेनजीर भुट्टो की शादी नहीं हुई थी? तो अगर प्रियदर्शनी सिंह शादी कर लेगी तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लेगी? अरे ओ काशी की अम्मा, सुना है तेरी छोरी काशी स्कूल जाएगी? अरे हम लोगों की बिरादरी में आज तक जो कोई करने की जरूरत की है नहीं, और वैसे भी कौवा कभी हंस की बराबरी कर सके? आप क्या कहेंगे अर्पित? आई डोंट नो, प्रियदर्शनी यस और नो? मे बी नो. यस और नो? नो. व्हाट डू यू थिंक डिंपी? नो. निकुंज, we know the answer. Charming. Wow, मैंने किसी के 6 मार्च को आपको क्या लगता है? Yes or no? Rahul, no, लेकिन हाँ. Okay, बस. आप क्या सोचती है? क्या आप सोचती है हम दोनों शादी कर सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल. यस और नो? बिल्कुल शब्द नहीं होता है. यस यस 110%. 200. यस और नो? 200 नीचे मेरे को. यस. देखो शेयर मार्केट नहीं है. यस यस. जब लोगों ने ये बोला कि हम दोनों की शादी नहीं निप पाएगी, तो मुझे इस बात पे इतनी हंसी आई, और मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती हूँ जिनके अंदर एक्चुअली में दिमाग नहीं है,
मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इंदिरा गांधी की शादी नहीं हुई थी? क्या झांसी की रानी की शादी नहीं हुई थी? क्या बेनजीर भुट्टो की शादी नहीं हुई थी? तो अगर प्रियदर्शनी सिंह शादी कर लेगी तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लेगी? मृण्मयी के बारे में बताइए। मृण्मयी के बारे में कल हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने मुझे कह दिया मुँह पे, वो बात में अच्छी लगी कि मुझे नहीं लगता कि 22 साल की एज में आप इतनी मैच्योर हो शादी के लिए। मैंने कहा देखिए मुझे राहुल जी से शादी करनी है और मैं इस बात के काफ़ी सीरियस हूँ इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा नहीं आई कि बस चलो शादी हो रही इसलिए चलो फन बनाने आई, इस तरह से नहीं आई। मेरे दिल में फीलिंग्स है इसलिए यहाँ आई हूँ। अच्छा मैं कहूँ आप अभी क्या है? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो हम लोग यंग है बिकॉज ऑफ आवर एज हम लोग को सीरियसली नहीं लिया जाता है। जब से आई हूँ तब से सवाल जवाब किए जाते हैं कि 20 साल की हो, तुम्हारे फैमिली ने अलाउ कर दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, तुम शादी क्या इस एज में करोगी 20 साल की हो। ये किसने कहा आपसे? मृण्मयी से बात हुई है, निकुंज से बात हुई पड़ी है इस बात में। बहुत दिनों से ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, क्या एज ही कंपैटिबिलिटी वो करता है? एज का कोई संबंध नहीं है, आप इक्वल है सभी से, सभी इक्वल है यहाँ। आपको क्या कहना है, आपने ऐसे क्यों हरप्रीत को कहा? हरप्रीत को मैंने जो कहा था वो इन अ डिस्कशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी कि मैं जब 20 साल की थी उस वक्त मैं खुद शादी के बारे में नहीं सोच सकती थी। समवेयर इसको समझाने के लिए मैं बोल रही थी कि जस्ट इन केस कल को यू नो वी आर नॉट देयर इन दिस। समझाने के लिए देखिए when we इसने आपकी राय मांगी थी, we were just talking। मैं जनरली कह रही थी कि कल को जो भी हो, whatever happens tomorrow, you have entire life in front of you, so just don't get disheartened। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब मैं उस उम्र में थी, मैं अपनी बात बता रही थी कि मैं पर्सनली नहीं सोच सकती थी उस वक्त, बस यही बात थी। okay, last this thing, किसी को किसी के बारे में कोई एक बिंदु कहना है, पॉइंट कहना है? हरप्रीत मेरी काफ़ी फेवरेट रही हैं शो पर, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है, जो बहुत सोचे समझे और वेड आंसर्स वो देती हैं, कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग होने लगा है अब। प्रिय मृण्मयी के बारे में क्या सोचती हैं आप? मृण्मयी बहुत बैलेंस हैं एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी दोस्त हैं और इनके पास कोई भी इंसान जाके एक बहुत अच्छा एडवाइस ले सकता है। मैं मृण्मयी से कुछ पूछना चाहूंगी, क्या आप इस शो पे राहुल की वजह से ही आई थी? बिल्कुल राहुल की वजह से आई थी और ये मैंने बात ऑडिशन पे भी कही है, जब मेरी फैमिली मेरे साथ थी तभी भी कही है। हमारी कॉमन फ्रेंड है रेखा, आप उसके क्लोज हैं, रूम शेयर करते हैं आप दोनों। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप राहुल से शादी करने के लिए आ रही हैं। क्या कहा था उन्होंने? इट वॉज अबाउट फेम एंड मनी। अगर पैसे और फेम के लिए मैं आती तो ऑब्वियसली मैं ये ट्राई करती कि मैं मैक्सिमम फेम पाऊँ या वट एवर इट इज। तो मैं क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि जब से मैं आई हूँ आई एम वेरी श्योर मैं किस लिए आई हूँ। वो हमारी कॉमन फ्रेंड थी मृण्मयी और मेरी, उसने मुझे ये कहा था कि मृण्मयी वहाँ पे शादी के लिए नहीं, राहुल के लिए नहीं, फेम और मनी के लिए जा रही हैं। जहाँ तक मुझे पता है जो मेरी फ्रेंड है वो बिल्कुल मेरे बारे में ये नहीं कह सकती क्योंकि वो जानती है कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। हरप्रीत का ये कहना एक